गाइज वेलकम बैक टू चैनल। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज अभी हम इस वक्त पटना में हैं, राजेंद्र नगर में। तो गाइज बता दें आप लोग को कि राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन अब काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि जो इसका कैंपस हुआ करता था अब इसी कैंपस से रोड गुजरता है। कारण है कि पटना मेट्रो बन रहा है इस वक्त, और मेट्रो बनने के कारण बीच में आप देख सकते हैं ये सारे मशीनें भी लगा हुआ है, जो हमारे पीछे मशीन देख रहे हैं। तो ये सारे मशीन के लगने के कारण मतलब रोड जो है उसको एक्सपेंड किया गया। एक्सपेंड करने के कारण मतलब जो कैंपस था राजेंद्र नगर टर्मिनल का, उसी में से रोड निकाला गया। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और राजेंद्र नगर टर्मिनल आप लोग को आज तक कभी नहीं दिखाए थे, और आज यहाँ से हमारा ट्रेन है। तो गाइस कुछ झलक देख लीजिए राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन का। कर रहे हैं क्योंकि साथ में दीप भाई हैं। तो गाइस दीप भाई मिल गए हैं, और इनका देखिए पूरा पैकिंग ज़बरदस्त है। चलिए दीप भाई, राजेंद्र नगर में भी एस्केलेटर वाला आपको फैसिलिटी मिल जाता है। प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एस्केलेटर वाली सीढ़ी आपको गेट नंबर 4 के पास मिलेगा। कभी भी राजेंद्र नगर आइएगा तो गेट नंबर 4 के पास आइए। यहाँ पर से जो एस्केलेटर वाली सीढ़ी है हाँ यूट्यूब रैम्बल मनीष ब्लॉग, ये आपका 4 नंबर तक जाने का रास्ता है पूरा। जिस प्लेटफॉर्म पे आप उतरना चाहते हैं उस पे उतर जाइए। और हमारी ट्रेन है हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिस पे आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। हमारा जर्नी होने वाला है दीप भाई के साथ, जो जा रहे हैं पटना से हावड़ा के लिए। तो पटना से राजेंद्र नगर से खुलती है ट्रेन, और हमारा सीट है जो स्लीपर क्लास में। तो गाइस इसी के साथ देख सकते हैं राजेंद्र नगर यार्ड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी मतलब शानदार लग रहा है।
रजेंद्र स्टेशन। चलिए, इस घड़ी में अभी 6:55 हुआ है और 6:55 हम अभी हावड़ा स्टेशन पे हैं और रात में हम लोग हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो रजेंद्र नगर से 9:25 पर चलती है उसी ट्रेन को मतलब हम लोग पकड़े थे, हम और दीप भाई हैं। दोनों कलकत्ता आए हैं कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करने, जो क्या क्या ब्लॉग रिकॉर्ड हो सकता है आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। और साथ साथ हावड़ा स्टेशन का कुछ लुक है इस तरह का।